अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहीन और आप देख रहे हैं फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ़िश कोरमा की इजी और सिंपल रेसिपी, जो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं ये फ़िश कोरमा कैसे बनाया जाता है और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए। मछली को मैंने एक घंटा पहले अच्छी तरह से धोकर इसमें नमक, मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट लगाकर रख लिया है। दो मीडियम साइज़ की प्याज और एक टमाटर को मैंने ग्राइंड करके इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। टमाटर की क्वांटिटी मैंने कम रखी है क्योंकि मैं कोरमे में इमली का पल्प ऐड करने वाली हूँ। अगर आपको टमाटर की क्वांटिटी बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं। और अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए हमें 1/2 टेबल स्पून, इमली का पल्प चाहिए 2 टीस्पून, 2 कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, ज़ीरा 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक हसबे ज़रूरत। तो ये सारी चीज़ें चाहिए हमें फ़िश कोरमा के लिए। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो कढ़ाई में हम डालेंगे कुकिंग ऑयल और इसे गर्म होने देते हैं। तो अब ये कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम एक एक करके फ़िश ऐड करेंगे और इसे 50% तक फ्राई कर लेंगे। फिश जो है एक साइड से फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। तो ये जो फिश है वो दोनों साइड से फ्राई हो चुकी है, 50% हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो मछली निकालने के बाद ये जो तेल बच गया है, हम इसी में प्याज और टमाटर की पेस्ट को भूनेंगे। तो अब ये प्याज और टमाटर की पेस्ट जो है वो भुन चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे भी थोड़ी देर भूनेंगे। ये सारी चीज़ें अच्छे से भुन चुकी है, अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, रेड चिली पाउडर। इन सभी मसालों को भी हम कुछ सेकंड्स के लिए भुनेंगे। इन सभी मसालों को कुछ सेकंड्स भुनने के बाद हम इसमें इमली का पल्प ऐड करेंगे और इसे मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 कप जितना पानी ऐड किया है, आप अपने हिसाब से, आप जैसी ग्रेवी रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर लें। पानी ऐड करने के बाद हम इसकी लीड बंद करके इसे कुक करेंगे ताकि इसमें जल्दी बॉईल आ सके। तो देखिए अब इसमें बॉईल आ चुका है, तो अब हम इसमें सारी फिश ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखी है। तो फिश ऐड करने के बाद हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया और कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे और इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम पर पकाएंगे ताकि हमने जो फिश 50% कुक की है वो 100% कुक हो जाए।
तो 5 मिनट बाद ये फ़िश कोरमा रेडी है सर्व करने के लिए। आपको मेरी ये फ़िश कोरमा की रेसिपी कैसी लगी है मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।